6 जुलाई से सदस्यता अभियान में दम लगाएगी भाजपा, कमजोर पकड़ वाले इलाकों पर रहेगा जोर। जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से की चर्चा। छह जुलाई से शुरू होने जा रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी और सदस्यता अभियान के प्रभारी बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया से चर्चा की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र में दोबारा वापसी के बाद भाजपा ने देश भर में सदस्यता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अभियान को खास बनाने के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट हो गए हैं। बताया गया कि इस बार बूथ आधारित सभी वर्गों और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मेंबर बनाया जाएगा, जिसमें आमजन के साथ ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और प्रोफेसर भी शामिल हो सकेंगे। रमेश रंगलानी की माने तो जिले के प्रत्येक विधानसभा के लिए 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है, लेकिन हम अपनी ओर से 40,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साथ बनारस से करेंगे, वाराणसी से वो शुरुआत करेंगे। अमित भाई शाह, जगत प्रसाद जी नड्डा, राजनाथ सिंह जी, ये अलग अलग स्थानों से कल इसका लॉन्चिंग होगी। जो नंबर है 8980 80 80 और 80, जो स्मार्टफोन है इसके माध्यम से कोई भी ये नंबर मिस कॉल के रूप में लगा करके सदस्य बन सकता है। लेकिन जहां स्मार्टफोन नहीं होगा वहां 8989789897 के माध्यम से मिस कॉल करके सदस्य बन सकता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार अभियान चलाया था, आज से 3 वर्ष पहले, 3.5 साल करीबन हो गए इस बात को, और हमने एक संकल्प लिया था और माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान भी किया था कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाना है, और उसका हमने परिणाम में देखा कि लगभग 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की कहलाई। और उसके लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसका ही परिणाम था कि हम उस लक्ष्य को, जो 10 करोड़ का हमारा लक्ष्य था, लेकिन हम उसको पार करके हम 11 करोड़ पर पहुंचे। हम याद करते हैं कि किसी समय भारतीय जनसंघ की जब हमारी स्थापना हुई थी, जिसका हम जन्मदिन कल मनाएंगे, उन्होंने करीबन 10 या 11 लोगों को लेकर के इस पार्टी की स्थापना की थी 1951 में। 21 अक्टूबर 1951 में जब इसकी की थी, उस समय इतने ही लोग थे, और वो पार्टी बढ़ते बढ़ते आज हम 11 करोड़ के संख्या पर पहुंचे हैं। लेकिन हमारा, जैसा कि अमित भाई शाह ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि अभी भी हमारा सर्वोच्च हमने प्राप्त नहीं किया है, जो चरम पर होना चाहिए हम इसको न माने, और उसके लिए बंगाल और केरल हमने लक्ष्य रखा है कि जब तक हम वहाँ पर हमारा शासन नहीं होता, जब तक हमें सेवा का अवसर जनता वहाँ नहीं देती है, तब तक हम अपने को, अपने सर्वोच्च शिखर को हमने प्राप्त किया है सब मान करके नहीं चलेंगे, भले हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होंगी तो। क्योंकि हमें, वैसे भी हमारा उद्देश्य जो है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भाजपा बनाने का, हमारा जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा कि हम सबके बीच में हम जाएं। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ ही हमारी पार्टी के द्वारा जल संकट से निपटने को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत हम वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए जल संकट को विश्व की समस्या बतलाई और इससे निपटने के लिए हर इंसान को आगे आने का आह्वान किया। इसी के साथ साथ
जाएं और हम विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो पहले शहर में सीमेंट की रोड बनती थी, पहले शहर में नालियां पक्की बनती थी, आज गांव में सीमेंट की रोड बन गई, गांव में सीमेंट की नालियां बन गई। तो ये गांव की बस्ती के अंदर के कुओं में रिचार्जी का पानी जाता था, उस हमारे गांव की गली से वो सीमेंट के मार्ग से सीधे दूर के नाले में चला जाता है और गाँव में रिचार्जिंग का काम खत्म हो गया। लगभग मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो कोई ऐसा गांव नहीं जिसकी गली कच्ची हो, 90% गलियां सीमेंटेड बन चुकी हैं और सीमेंटेड अंतिम छोर तक बनी है। अभी तक शहर में सीमेंट कॉन्क्रीट की नालियां की बात हम करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि कई ऐसे गांव हैं जो शहरों से भी आगे निकल गए, उन्होंने पूरी अपनी गलियों को सीमेंटेड कर दिया। तो फिर पानी जमीन के अंदर कैसे जाए? पहले खपरे के मकान हुआ करते थे, कबीलों के मकान हुआ करते थे, आज 50% जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है सारे मकान सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं। उन मकानों से निकलने वाला पानी उसी की बाड़ी में उसी के आंगन में जमीन के अंदर कैसे जाए, इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारे काम के एजेंडे का एक अंग है। दूसरा, पानी को संभाल के कौन रखेगा? पानी को संभाल कर रखेंगे पेड़ पौधे, वे वृक्ष जिसको पानी संभालने का क्षमता है वे तो हम लगाएंगे क्योंकि उनके आकार बड़े होते हैं, बड़े पीपल हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पानी को बहुत पीते हैं, जैसे नीलगिरी। हमको ये जो अपना बोलचाल की भाषा पर नीलगिरी कहते हैं उसका लगाना वर्जित करना पड़ेगा, वो इतना पानी पी लेता है जितना अंदर डालते उसका 4 गुना। हमारे रेंजर कॉलेज में आप देखेंगे बड़े बड़े पौधे हैं, उसका बॉटनिकल नाम कुछ अलग है, लेकिन वो इतना पानी पीता है जिसकी वजह से। तो हमको आम की वेराइटी लगानी पड़ेगी जो पानी को संभालती है, हमको जो सरई लगानी पड़ेगी जिसमें सर्वाधिक पानी की रोकने की क्षमता होती है। आप देखा होगा पहले RCC के रेलवे के पतन नहीं होते थे, तो हमारे सरई की लकड़ी से रेल की पटरियां बनाई जाती थी, रेल के पाथ बनाए जाते थे, उनमें पानी रोकने का बहुत ज़्यादा क्षमता है। हमारे महुआ का ऐसा पौधा है जिसमें पानी रोकने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, वही पानी गर्मी में हमारे नर्मदा नदी नालों में रिसता है, नीचे जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि कभी कभी तो माँ नर्मदा भी सूख जाती है, माँ गंगा भी सूख जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो भी नदियाँ हैं, चाहे नर्मदा जी हो चाहे हमारे लिए लोकल हमारी नदियाँ हों, इनके किनारे वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर करना होगा और पानी भूमि के कटाव को रोकना होगा। धड़ल्ले से अपने उपयोग के लिए जो रेत निकासी हो रही, रेत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अनबैलेंस रेत की निकासी से भी हमारी नदियों में जो रुकने वाला पानी अब नहीं रुकता। जितना रेत नदी में रहेगा उतना पानी वहाँ पे रुका रहेगा, रेत का स्वभाव है पानी को रोकने का। तो ये जो असंतुलित काम हो रहा है, धड़ल्ले से रेत की खदानें, धड़ल्ले से कटाई लगा रहे, एक काट रहे 10, इसके दुष्परिणाम से हमको आज किससे संभालने की आवश्यकता है। इसलिए बालाघाट को हरा भरा रखने के लिए सभी अनुसंगिक संगठन, सभी राजनीतिक दल, चाहे उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक दल से संबंध हो सकता है उनका, सभी हमारे प्रशासनिक तंत्र कम से कम एक हफ्ते में एक दिन हमारे पास भी, तो जुलाई के 4 हफ्ते मिलते हैं। पिछले 1 तारीख को हम लोगों ने महाअभियान चलाया, कुछ संगठनों के साथ मिलकर के पॉलिथीनों का संग्रहण किया, कदम संस्था ने वृक्षारोपण किया और जिसे जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं, लेकिन उसको हम प्रोटेक्टिव कैसे करें, जो पौधा लगे अगले तक समय तक यशस्वी रहे, जीवित रहे, इसका भी एक अभियान की आवश्यकता है। इसी श्रृंखला में 7 जुलाई प्रातः 7 बजे रेलवे क्रॉसिंग से जैसे ही हमारे दोनों किनारे हैं, जहाँ पे कि मैं जब विधायक सांसद था तब निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से जालियाँ लगाई थी, लोहे की जालियाँ जिसको अपन लोग बैरिकेड्स कहते हैं, उस समय कुछ पौधे लगे थे, कुछ जीवित रहे, कुछ बड़े हो गए, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग आज नहीं है, छोटी झाड़ियों को निकासी करके वहाँ पर हम फिर से बालाघाट में फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसकी प्रारंभिक तैयारी हम कल पूरी कर लेंगे। प्रातः 7 बजे शासकीय विधायक निवास में सबका एकत्रीकरण है, सबसे आग्रह कि सभी लोग आए, वो गौरी शंकर मिश्र का व्यक्तिगत घर नहीं, सरकार के द्वारा दिया गया विधायक का निवास, और इसलिए सभी लोग आए, प्रातः 1-1 कप चाय लें,
इसके बाद में एक महाजल वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ करेंगे और हमारी प्राथमिकता है ऐसा हम पौधा लगाएंगे जिसको लगाने वाले को भी 2 साल के अंदर उसका फल देखने को मिलेगा।